एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और अभी मैं नहाई हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ और खाना मेरा पूरा बन चुका है। और अभी 11:30 होने वाले हैं, सानवी को ट्यूशन से लाने जा रही हूँ मैं। तो खाने में क्या बनाई हूँ मैं, पहले उसको ले के आ जाती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगी, क्योंकि देर हो जाएगा लाने में। चलिए आती हूँ सानवी को लेके। बस फ्रेंड आ गई सानवी को लेके, जस्ट अभी 2 मिनट भी नहीं लगता है, सामने से ही तो लाना रहता है इसे। और देखिए इसको क्या कर रही हो बेटा। अच्छा हेलो कर दो। हेलो। अच्छा तो बोल दो, मम्मा कैसे बोलती है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और वेलकम टू चैनल। और सानवी ने कल रात एक कांड कर दिया, मेरा चॉपर मशीन तोड़ दी है, जिसमें मैं अनियन चॉप करती थी, बहुत सुविधा हो जाता था उससे। और पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं, देखना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसका डोरी ना एकदम से खींची है बाहर की ओर, खींचा गया हुआ, वो अंदर नहीं जा रहा है, इतना बदमाश है ये शरारती बच्चा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को मैं क्या आज बनाई हूँ खाने में। चल तो बेटा आ जा। देखिए खाने में मैं क्या बनाई हूँ, आज का खाना क्या है। इसमें मैं चावल बनाई हूँ डेक्ची में मैं, और इसमें दाल है, और ये है बैंगन भाजा। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है बैंगन भाजा और मुझे भी अच्छा लगता है। और नीचे बनाई हूँ लोबिया बींस की सब्जी है, बड़बट्टी भी बोलते हैं इसे बांग्ला में, और हिंदी में इसे बोड़ो बोलते हैं। तो और इसमें थोड़ा सा आलू मैश करके रखी हूँ, प्याज इसमें काट दूँगी सानवी के लिए। और गैस भी साफ़ हो गया मेरा, और इतने सारे बर्तन भी यहाँ, सारा खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन था मैं सब धो दी हूँ। अभी पानी भी इसका सूख गया है, मैं इसे स्टैंड में लगा दूँगी। और इसे देखिए, जब भी मैं किचन में आती हूँ ये आके यहीं पर बैठ जाती है, कितना भी बोलती हूँ फैन में बैठो घर में बैठो, नहीं, मम्मा जहाँ रहेगी उसके पीछे वहीं पर रहेगी। किचन में इसे बहुत मन लगता है, और बैठे बैठे काम भी बिगाड़ते रहती है किचन में। चलो बेटा हवा में पंख फैन चला देते हैं। अरे तो मैं भी घर में जा रही हूँ, गर्मी लेगा नहीं था। चलो होमवर्क कब करोगी खाने के बाद? चलो फ्रेंड देखिए दोपहर हो गया था, हम लोग खाना भी खा लिए थे। खाना खाने के बाद ना एकदम से मौसम काला अंधेरा कर दिया था और बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी, तो अच्छा लग रहा था आप लोग देख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा जब बारिश होता है ना तो ये ग्राउंड पूरा भर जाता है, पूरा नहीं मतलब कहने का मतलब कि घुटना से थोड़ा सा नीचे उतना पानी जमा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा डाउन में है, लेकिन घर में हम लोग का नहीं घुसता है, क्योंकि घर में 2-3 सीढ़ी ऊँचा किया हुआ है। और इधर देखिए पौधे ऊपर कितना सुंदर से पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के खिड़की से देखने में। मैक्सिमम सब्जियों में देखिएगा कि मैं आलू डाल के ही बनाती हूँ, तो सर्दी के कारण और आलू मुझे भी पसंद है, लेकिन कुछ कुछ सब्जियों में जैसे इसमें चना दाल डालने वाली हूँ तो इसमें नहीं भी आलू होगा तो अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी के लिए मैं आलू डालती हूँ। और प्याज काट ली हूँ, चना का दाल भी भिगो दी हूँ, कुछ समय पहले भिगोई थी, आधा घंटा पहले। और वैसे भी चना दाल तो जब भी मैं बनाती हूँ चना दाल का कुछ भी तो कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे पकने में, तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो ये सब्जी भी मैं कुकर में ही बनाऊँगी। झींगी तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन दाल गलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं ना सब्जी को भून के और कुकर में ही डाल देती हूँ, या फिर डायरेक्ट कुकर में ही भून लेती हूँ, और उसके बाद पानी डाल के मैं पका लेती हूँ, 3-4 सीटी लगा देती हूँ, आराम से दाल पक जाता है और बन जाता है अच्छे से सब्जी, समय भी कम लगता है। और अभी आटा नहीं गूँथी हूँ मैं, अभी आटा गूँथूँगी। और दोपहर में ना काफ़ी बारिश हुई है,
बट मौसम अभी भी गर्म जैसा ही फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा राहत नहीं है बहुत ज़्यादा। और आज मैं चाय भी नहीं पी, चाय बनाने जा रही थी कि हस्बैंड का कॉल आ गया, उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो ड्यूटी नहीं गए हैं, गए हैं किसी काम से, तो बोले कि रुक जाओ बाद में बनाना, बाद में अभी तक रहे हैं, 7 बज गया उनके चक्कर में मैं भी चाय नहीं बनाई हूँ, नहीं पी हूँ, तब मेरा मन थोड़ा थोड़ा हो रहा है चाय पीने का, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एक कप बना लेती हूँ, अगर वो आ जाते हैं और पीना चाहेंगे तो और बना दूँगी बाद में। फ्रेंड, हम लोग के रात का डिनर हो गया है और मैं अभी बालों में तेल लगा रही हूँ क्योंकि सुबह शैम्पू करने वाली हूँ। और इधर देखिए, ये दोनों बाप बेटी मस्ती कर रहे हैं इस टाइम भी, चादर के अंदर टेंट हाउस बना के खेल रहे हैं दोनों। तो लाइट जल रहा था तो अच्छा लग रहा था, अभी लाइट ऑफ होगा तब जाकर वो सोएगी, तो मैं सोची कि चलो जितना देर खेलती हो तुम खेल रहो और जब तक मैं अपना तेल लगा लेती हूँ बालों में। और मैं इंदुलेखा तेल यूज कर रही हूँ अभी कुछ महीनों से, अभी क्या लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं मैं से यूज कर रही हूँ, अच्छा रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए मैं यही तेल यूज कर रही हूँ। तो वीडियो अगर ज़रा सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करने लेना गाइज। बाय बाय।